नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अपने दुश्मन से पीछा कैसे छुड़ाएं। जी हाँ, दुश्मन वशीकरण तरीके। क्या आप वशीकरण करने जा रहे हैं? क्या आप वशीकरण के तौर तरीके जानना चाहते हैं? आपका कोई दुश्मन है जिसने आपके घर के ऊपर काला जादू किया है, आपका बिजनेस हड़प लिया है, या कोई और समस्या है, आप परेशान हो चुके हैं उस समस्या से, आप इसे निजात पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सी क्रियाएं आपने की, बहुत से टोटके अपनाए, फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो फिर आज इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाया जा सकता है, कैसे अपने दुश्मन को काबू में पाया जा सकता है। यह तरीके अगर आप भी अपनाते हैं तो आप अपने दुश्मन को काबू में कर सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर अपनी मनचाही बातें उनसे मनवा सकते हैं। तो फिर डरना क्या अपने दुश्मन से, जब टोटके ये तरीके आपके पास हैं और आप अजमा कर ये काला जादू कर अपने दुश्मन से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको उससे पहले बताना चाहूँगा कि जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दुश्मन वशीकरण के तरीके टोटके, जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। आपके लिए टोटके बड़े किफ़ायती साबित हो सकते हैं, आपकी मन इच्छा को जाहिर कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा आज के समय में कोई भी नहीं व्यक्ति कह सकता कि उसका कोई दुश्मन ही नहीं है। ये दुश्मन ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे ही वार करते हैं, सामने नहीं। ये आपके दुश्मन मित्र प्यारे हो सकते हैं, आपके दीन बंधु हो सकते हैं, आपके घर के कोई रिश्तेदार आपके अपने ही हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपके अपने ही तो जलते हैं आपके कारोबार से, आपकी ऊंचाइयों से। वो नहीं चाहते कि आपका कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाए। अब अगर परेशान हो चुके हो, आपको पता भी नहीं आपका दुश्मन कौन है, कौन ऐसा करवा रहा है, लेकिन आपको खबर हो गई आपके घर में कुछ अजीब सी हरकतें चल रही हैं, तो कैसे रोकेंगे इसे? चलिए ये भी जानते हैं। दुश्मन वशीकरण करने के लिए सबसे आसान है, एक माटी का मटका लीजिए, उसके अंदर 200 ग्राम तिल, 200 ग्राम चावल के दाने डालिए। उसके पश्चात हमने क्या करना होगा मैं वो बता दूँ। उसमें पानी डाल लेना है और क्या करना होगा, एक मंत्र का निरंतर 551 बार जाप करना होगा। जिस मंत्र का आपने जाप करना है वह इस प्रकार है, ओम नमः ऋग्धराय वशीकरणाय वशीभूताय शत्रुनाशक स्वाहा। इस मंत्र का निरंतर जाप करेंगे और इस मटके को किसी चलते पानी में जाके छोड़ आएंगे। वापस पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। यह टोटका करते ही आप दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपका दुश्मन फिर कभी आपको तंग नहीं करेगा। कुछ और उपाय टोटके जानने के लिए दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन, किसी प्रकार की चार्जेस नहीं है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।